भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर कर आई। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, जल चढ़ा, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर भगवान का कर कर फिर आई। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा। बिहार में आज भी जब लड़की का विवाह होता है तो मांग उसकी यहाँ से स्टार्ट होती है। कहाँ से? कहाँ से? नाक से, यहां से, यहां से लेकर के पूरा फिर यहां तक जाता है। वहां पर जब मांग भरी जाती है वो यहां से स्टार्ट होती है, नाक से ये मांग। पर अब यहां से आप तो ना भरो, बिहार में आज भी ये रिवाज है और आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप फिर भी उतना तो रखो जितना आवश्यक है। और याद रखिएगा, सिंदूर ही लगाने की बात है, घिसनी नहीं। जितना लंबा सिंदूर उतनी लंबी आयु, भाई मान्यता तो यही है। अब फिर तो वो आगे भाग्य का खेल है, भगवान की इच्छा है, लेकिन फिर भी